सत श्रीकाल जी, मेरा नाम है जी डॉक्टर मनदीप कौर। मैं एक एस आयुर्वेदा के नाल जुड़ी हुई हूँ जी काफ़ी टाइम तो। अज असी उरे कैंप लगाया जी कारगौर के जागरूकता लहर के नाल मिलकर। तो साढ़े हैगा जो फोकस ज़्यादा कि लोग मैडिसन घट तो घट खाण, लेकिन आपां नूं है कि आयुर्वेद की तरफ लोग ज़्यादा आन। तो आयुर्वेद में एवें है कि ट्रीटमेंट बहुत वधिया ने। तो उहदे विच असीं चाहते हैं कि जिवें पथरी का इलाज हो गया, पथरी का ट्रीटमेंट 100% असीं मैडिसन दिंदे हाँ। तो उहदे विच की है जी कि जिवें ही पेशेंट साडे कोल आउंदा है, ना तो उहनूं ज़्यादा लंबी लाइना च लगने की लोड़ है, ना ही ज़्यादा हरासमेंट। तो बस आएगा डॉक्टर नूं मिलेगा तो मैडिसन लेगा, अपने घर जाएगा आराम नाल। तो उहदे नाल ही नाल मैं लेडीज़ के बारे कुछ दसना चाहती हाँ कि लेडीज़ की प्रॉब्लम लिए है कि साडे कोल है रसोली का ट्रीटमेंट है, जिहड़ा थोड़ा है कि लंबा चलता है, 2 या 3 महीने का ट्रीटमेंट है। तो उहदे विच की है 100% रसोली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बाकी डायलिसिस का है जी, डायलिसिस का असीं करते हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। ए के एस आयुर्वेदा जीरकपुर वालों अज असी पहुँचे हाँ गुरद्वारा पिंड कार कौर तहसील डेराबसी तो जिला मोहाली। तो अज असी इत्थे कैंप लगाया ए के एस आयुर्वेदा की तरफ तो जागरूकता लहर के तहत। उन्होंने एक मुहिम जी पिंडा पिंडा में जाके फ्री मैडिकल कैंप की जी मुहिम चुकी है, वो उन्होंने असी जुड़ के असी अज इत एक कैंप मैडिकल कैंप लगाया जिद फ्री चैकअप किया जा रहा। तो फ्री नवज देख के रोगों की पछाण की जाती है। तो फ्री के कुछ जड़िया दवाइया जड़िया मेन दवाइया वो असी फ्री के प्रोवाइड कीतिया ने। तो मैं धन्यवादी हाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, निमाणा ग्रुप का, जागरूकता लहर का। तो इन्होंने साडा बहुत ज़्यादा सहयोग दिता। तो असी इस मुहिम नूं होर अगे वधाउणा चाहुंदे आ। तो हर हफ्ते असी चाहुंदे आ कि हर हफ्ते इदां ही परमात्मा साडे तों सेवा लवे ते असी जो है ये अपनी मुहिम नूं होर अगे वधा सकीए। इहदे विच की ट्रीटमेंट किया जाता है कि वह उहदे बारे साडी डाक्टरां दी जिहड़ी टीम है, साडे कोल लेडी डाक्टर भी ने, साडे कोल जेंट्स डाक्टर भी ने, पूरी टीम है। तो पंचकर्मा दे जिहड़े थैरेपिस्ट ने वह भी साडे नाल ने। तो जो कि पंचकर्मा एक थैरेपी है, उहदे जरिए यह बिना दवाइया तो इलाज किया जाता है। जिहदे बंदे दी जो एक थैरेपी दे विच तेल ने जिहड़े उह केरला तो मंगवा के उहदे उहनां दी जदों मसाज करदे आ तां दवाई दी जरूरत नहीं पैंदी, उहनां नाल बहुत सारियां बीमारियां जो है ठीक हो जांदियां ने। बाकी जानकारी तुहानूं अगे डॉक्टर साहब देणगे। डॉक्टर ललित ए के एस आयुर्वेदा जीरकपुर तो। साडा जिहड़ा मेन मोटिव है इस संस्था नूं लेके आयुर्वेद नूं खास करके लेके कि जिहड़े आम लोग है जिन्हां नूं आयुर्वेद के बारे च कुछ पता नहीं है उन्हां नूं भी इहदी अवेयरनैस के बारे च दसीए कि आयुर्वेद क्या हुंदा है ते इहदे क्या बेनीफिट है। सब तो पहली गल तो यह है कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, जिदा कि आयुर्वेद का तुहानूं पता होना आयुर्वेद का प्रयोजन क्या, मतलब इहदा उद्देश्य क्या है। तो वह पहले ग्रंथा विच साबित कर चुके हैं, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण आतुर से विकारे प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ बंदा जिहड़ा है एक हैल्थी परसन की जिहड़ी हैल्थ है उन्हूं मेनटेन उन्हूं बिल्कुल कारगर रखने लई जो काम कर रहा जा रहा वो आयुर्वेद कर रहा। तो बाकी जिदा अगर दूजी पैथी की गल की जाए एलोपैथी की खास करके गल की जाए, क्योंकि मैं एलोपैथी के वैसे अंगेस नहीं है, लेकिन जी एलोपैथी की ट्रीटमेंट हैगी दरअसल हैगी एमरजेंसी ट्रीटमेंट, और जो कि आयुर्वेद है वो वर्षों पुराना है अपना। तो मैं कहवागा कि यही संदेश है मेरा लोगों कि जिन्ना जल्दी मतलब समझ ही सकते हो तुम, जिन्ना अडोप्ट करोगे आयुर्वेदा तुहाडी लाइफ उन्नी चंगी हो जाएगी।
एक होर जानकारी मैं देना चाहनी हूँ थोड़ा लेडीज़ के बारे, जी बहुत ही आम बीमारी है लेकिन कुछ लेडीज़ ने पिंडा दियाँ मान लो भावें शहर दियाँ मान लो जिड़िया नहीं दसना चाहदियाँ, यह है एक लकोरिया। लकोरिया एक ऐसी बीमारी है जिन्होंने शर्म के मारे लेडीज़ किसी को नहीं दसती है। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट साढ़े को है जी 100% ट्रीटमेंट है, जिमें भी पेशेंट आएगा दसेगा वह ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बीमारी एवें की है कि यह लेडीज़ की हड्डियां गालना शुरू कर देंगे। होर बीमारी है जिन्होंने लोग बड़ा शर्मनाक समझते हैं दसने किसी हिचकिचाते हैं, वो है पाइल्स यानी कि बवासीर। बवासीर एक एवें की बीमारी है जिन्होंने दसने की लोग बहुत शर्माते हैं, लेकिन एवें की शर्माने की कोई गल नहीं है, इनू इस बीमारी का भी बिल्कुल इलाज है, बिल्कुल विदाउट ऑपरेशन इस चीज़ का इलाज है।